हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल में जब भी हम लोग बात करते हैं तो 90% हमारी बात करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। कोई भी फॉल्ट को डिस्कस करना हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल थ्योरी को डिस्कस करना हो, बिना करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस की बात किए आप उस थ्योरी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग एक्चुअल में समझेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट की। देखिए, किसी भी केबल या किसी भी वायर में जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो इस कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट आप बेसिकली इस तरीके से ध्यान में रखिए कि किसी भी केबल या वायर में से जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने को ही हम लोग करंट कहते हैं। अब दोस्तों, करंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसी करंट, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, और एक होता है डीसी करंट, जिसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इसलिए एसी करंट की जो वेवफॉर्म होती है ये साइनोसाइडल होती है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है ये अल्टरनेटली आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपना डायरेक्शन चेंज करता है। इसलिए एसी करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का जो मूवमेंट होता है ये हमेशा टू एंड फ्रो होता है। इस तरीके से एसी करंट के इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अब दोस्तों, बात आती है डायरेक्ट करंट की। तो देखिए, डायरेक्ट करंट, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसका डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होता। डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड मोशन में ही फ्लो होता है, कभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड का ये एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आप डीसी करंट की वेवफॉर्म देखेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी या तो पल्सेटिंग डीसी रहेगा, पर ये कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की। तो देखिए, किसी भी चीज़ को फ्लो होने के लिए एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, फिर चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या तो फिर वो कोई और फोर्स हो। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी चीज़ फ्लो नहीं होती। वैसे ही करंट को फ्लो कराने के लिए भी हमें एक फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसी फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है। इसलिए वोल्टेज को EMF भी कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इसलिए वोल्टेज एक फोर्स है जो करंट को सर्किट में फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करिएगा करंट और वोल्टेज को। मैक्सिमम कन्फ्यूजन करंट और वोल्टेज के ही बीच होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी केबल में जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसे हम लोग करंट कहते हैं, और उस करंट को फ्लो होने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस फोर्स को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं 415 वोल्ट की सप्लाई है या 11 kV की सप्लाई है, तो ये जो 11 kV वोल्टेज है या जो 415 वोल्टेज है ये एक पर्टिकुलर फोर्स रिक्वायर्ड है एक करंट को फ्लो कराने में। तो अगर किसी सिस्टम में 415 वोल्ट की सप्लाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 415 वोल्ट का फोर्स यूज़ कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट करंट को सर्किट में फ्लो कराने के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों वोल्टेज। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। देखिए, हर जो भी आपके केबल्स होते हैं या जो भी कोई मटेरियल होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो करंट को फ्लो होने के लिए रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है करंट के फ्लो को, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जाना है। अब यहाँ जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम है और एक रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप कौन से रास्ते से जाना प्रेफर करेंगे? तो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग कम ट्रैफिक वाले रास्ते से ही जाना प्रेफर करते हैं, तो इस ट्रैफिक को ही इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिस रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल में हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिस रास्ते में ट्रैफिक कम है इलेक्ट्रिकल में हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्ट करना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकना, उसे रेजिस्ट करने को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब दोस्तों, जो कंडक्टर्स होते हैं इन कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए कंडक्टर में से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। वहीं अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए उसे इंसुलेटर्स कहा जाता है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।
अब दोस्तों इसे आप वाटर टैप के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए वाटर टैप में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसे हम लोग करंट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने को करंट कहा जाता है, वैसे इस एग्जांपल में जो पानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है इसको हम लोग करंट कहेंगे। अब ये पानी किस फोर्स से फ्लो हो रहा है, फोर्स बहुत ज़्यादा है कि फोर्स बहुत कम है, इस फोर्स को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। अगर फोर्स कम होगा तो कम पानी फ्लो होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी फ्लो होगा। तो ये जो फोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वाटर को फ्लो कराने के लिए, इसी फोर्स को वोल्टेज कहा जाता है। और ऊपर जो टैप लगा रहता है ये टैप वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस। अगर टैप फुल्ली ओपन है तो वाटर फ्लो ज़्यादा होगा। टैप फुल्ली ओपन है का मतलब है कि रेजिस्टेंस मिनिमम है। अब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो पानी कंटिन्यूसली ज़्यादा फ्लो होगा, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा। टैप अगर पूरा बंद है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा तो करंट कम से कम फ्लो होगा, करंट मिनिमम फ्लो होगा। वैसे ही टैप अगर पूरा बंद है तो पानी भी मिनिमम फ्लो होगा, कम से कम फ्लो होगा या बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से टैप के एग्जांपल से आप करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्चुअल वे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए,